हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ टीम्स फॉर विनर्स। पर्टिकुलर वीडियो में हम प्रीव्यू करने वाले हैं मेलबर्न रेनेगेड्स वर्सेस स्पर्स स्कॉचर्स का मैच, जो कि बीबीएल में मैच नंबर 17 के रूप में खेला जाने वाला है। क्या कुछ दो टीम से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स एंड लाइनअप्स हैं, उसके बारे में बात और डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और क्या क्या हम लोग एक्स्ट्रा डिस्कस करने हैं इस वीडियो में। हमने सब कुछ आपको यहाँ पर बता दिया है हाईलाइट्स के तौर पर, आप एक बार गो थ्रू जरूर कर सकते हो। सो अगर हम फर्स्ट पॉइंट पर देखें तो हमारा वेन्यू एनालिसिस होगा, फिर होगा परफॉर्मेंस ऑफ टीम ऑन वेन्यू, प्लेयर परफॉर्मेंस ऑन द वेन्यू, टीम न्यूज़ इन प्लेइंग 11 होगा, हेड टू हेड हिस्ट्री होगी एकदम डिटेल में, ओवरऑल प्लेयर परफॉर्मेंस होगा और प्लेयर बैटल एंड मैचअप्स होंगे, सजेशन फॉर कैप्टन वाइस कैप्टन भी दिए जाएंगे और डिफरेंशियल पिक्स क्या हो सकते हैं उनके बारे में हम बात और चर्चा करने वाले इस वीडियो में। तो एंड तक आपको वीडियो को पूरा देखना, अगर आपको पसंद आता तो एक लाइक ज़रूर कर देना है, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी जल्दी जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, जिसका लिंक हम लोगों ने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर वो वर्क नहीं करता है तो मैं आपको सिंपली और एक अनदर मेथड बता देता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको सबसे फर्स्ट स्टेप है और टेलीग्राम का ऐप ओपन करना है, फिर आपको सर्च बार आइकन पे जाना है और सर्च करना है टीम्स फॉर विन अंडरस्कोर आलोक। जैसे आप सर्च करोगे आपको ग्लोबल सर्च पे एक टॉप रिजल्ट आएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है। जैसे आप यहाँ पर ज्वाइन हो जाओगे आपको यहाँ पर पता लगेगा कि हम लोग ऑल टीम्स और ऑल स्पोर्ट्स कवर करते हैं और बिल्कुल ही फ्री में सब कुछ कवर करते हैं। 5 से 10 मिनट पहले डेडलाइन के सारे टीम्स पोस्ट कर देते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप समय मॉर्निंग का एक दिन दीजिएगा, अगर आपको ट्रायल लेना है तो मॉर्निंग से लेकर रात तक हम लोग जितने मैचेस के लिए सब खेलेगा, आपको फिर पता लगेगा हमारा विनिंग रेशियो कितना अच्छा है और एज़ कम्पेयर टू अदर टेलीग्राम चैनल्स। तो चलिए दोस्तों, वापस हम बात करते हैं बीपीएल के बारे में। तो गाइस, अगर हम वेन्यू स्टैट्स के बारे में बात करें तो टोटल मैचेस यहाँ पर 45 खेले गए, बैटिंग फर्स्ट ने जीते हैं 21, बैटिंग सेकंड ने जीते हैं 24, टाई एक भी नहीं हुआ यहाँ पर। एवरेज स्कोर के बारे में बात करें, फर्स्ट इनिंग का तो 157 है, हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर मेलबर्न रेनेगेड्स का ही 222 रन, लोएस्ट स्कोर भी मेलबर्न रेनेगेड्स का ही 57/10। स्कोरिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो बिलो स्कोर 114 बार हुआ है, स्कोर बिटवीन 150-169 16 बार हुए, स्कोर बिटवीन 170-189 11 टाइम्स हुआ है और स्कोर अबाव 190 4 टाइम्स हुआ है। सो हमें इससे पता लगता है कि 150 के आसपास या 160 के आसपास ही हमें बनते हुए देखने मिलेगा इस मैदान पर। सो ज़रूर उस हिसाब से हम लोग हमारी टीम बना सकते हैं, तो ठीक ठाक यहाँ पर बैटिंग के लिए होने वाली है पिच। वही हम अगर आगे बात करें स्कोरिंग पैटर्न के बारे में, तो डेट 7 दिसंबर 2021 को अभी रिसेंटली जो मैच हुआ था वहाँ पर रेनेगेड्स ने 153/9 बनाए थे। रेनेगेड्स ने मुकाबला जरूर जीता था लेकिन 9 विकेट्स गले थे सामने की टीम की। अगर बात करें स्ट्राइकर्स तो 151/8 इन्होंने भी विकेट्स 8 गले थे। रेनेगेड्स 2 रन से मैच को जरूर जीती थी, पेसर्स को मिले थे 12 विकेट, स्पिनर्स को मिले थे सिर्फ 5 विकेट। 23 जनवरी को एक मैच हुआ था यहाँ पर 173/5 हीट ने बने थे, रेनेगेड्स ने बने थे 147/10। हीट ने यहाँ पर इजीली मैच जीता था और हमें इससे पता लग रहा है कि जो टीम यहाँ पर फर्स्ट बल्लेबाजी कर रही है वो रन्स बना रही है, सेकंड बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पर फ्लॉप हो रही है। सो हीट ने 26 रन से मैच को जरूर जीता था, पेसर से फिर लिए थे 9 विकेट और यहाँ पर स्पिनर्स ने लिए थे सिर्फ 5 विकेट। सो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। डेट के बारे में बात करें तो 23 जनवरी 2021 स्कॉचर्स ने लिए थे, वो बनाए थे 179/8 157/8 ने बनाए थे हरिकेन्स और 22 रन से स्कॉचर्स ने मैच को जीता था। वापस बोलो जो टीम फर्स्ट बल्लेबाजी करी उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहेगा। 11 विकेट लिए थे पेसर्स ने, 5 विकेट लिए थे यहाँ पर सिर्फ स्पिनर्स ने। तो विकेट पेसर्स को ही मिल रहे ज़्यादा, स्पिनर्स को भी मिल रहे लेकिन ठीक ठाक मिल रहे, इतने कोई ज़्यादा मिल नहीं रहे। वही अगर हम देखेंगे तो पेसर्स का यहाँ पर जो है पकड़ा बहुत ज़्यादा भारी नज़र आ रहा है, जो टीम फर्स्ट बल्लेबाजी कर रही है वो ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम अभी तक विन की है ऐसा हमें देखने मिला हुआ है। सो आप ज़रूर से एक बार पॉज करके गो थ्रू कर सकते हो सारे स्टैट्स को, ऐसे ही आपको देखने मिलेंगे। बॉलर्स इन लास्ट मैचेस की अगर बात करें तो टोटल विकेट्स पर बॉलर 97 है और कंट्रीब्यूशन में स्पिनर 36 है, पेसर्स ने ऑलमोस्ट डबल ली है 61। टोटल विकेट्स इन फर्स्ट इनिंग 47 गिरे, टोटल विकेट्स इन सेकंड इनिंग 57, विकेट इन फर्स्ट इनिंग स्पिन ने लिए 19, सेकंड इनिंग स्पिन ने लिए 17, विकेट इन फर्स्ट इनिंग पेस ने लिए 28, सेकंड इनिंग पेस ने लिए 33। सो ये कुछ हमें देखने मिल रहा है। फर्स्ट हमें से देखने मिल रहा है कि सेकंड इनिंग में पेसर्स ने ज़्यादा विकेट लिए हैं और यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है, लेकिन ऐसे कुछ देखने मिल रहा है पेसर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, बार बार बता रहा हूँ मैं, एक बात आपको जरूर ध्यान में रखना है। टीम्स ऑन वेन्यू की अगर बात करें तो मेलबर्न रेनेगेड्स ने अभी तक 43 मैचेस खेले यहाँ पर,
मैचेस जीते हैं 8 और मैचेस लॉस्ट हुए 25, नो रिजल्ट हुए 0। 7.8 रन पर ओवर रन्स बनाए हैं और 7.85 रन पर ओवर रन्स दिए भी है। रिसेंट रिजल्ट ऑन दिस, वनी की अगर बात करें रेनिगेड्स की टीम से, तो आप देख सकते हैं हार्पर ने और सॉरी रेनिगेड्स वैसे स्ट्राइकर हुआ था, यहाँ पर हार्पर ने और हार्वी ने बहुत तगड़ी स्टार्ट दी थी यहाँ पर, और उनके बाद फ्रेजर ने कुछ ज़्यादा अच्छा किया नहीं था। सेमोर ने 3 रन की अच्छी बारी खेली थी, नबी ने ठीक ठाक खेली थी 9 बॉल में 12 रन, सदरलैंड बाकी सब ने किसी ने कुछ रन बनाए नहीं थे। बॉलिंग से टोपली ने लिया था 1 विकेट, पैटिनसन ने लिया था 1 विकेट, रिचर्डसन ने लिया था 1 विकेट, जहीर खान ने लिया था 3 विकेट, नबी ने लिए थे 0 विकेट और विजयलैंड ने लिए थे 2 विकेट। सो रेनेगेड्स 2 रन से मुकाबले को जरूर जीत गई थी, ये हमको ध्यान में रखना है। और मैं एक बात बता दूं कि मोस्ट प्रॉब्ली पैटिनसन नहीं खेलेंगे और फिंच तो आज का मैच खेलने ही वाले हैं, अब आएंगे ही डायरेक्ट प्ले 11 में, और हो सकता है एक वाइस कप्तानी या कप्तानी भी कर ले, बट निक मेडिसन तो रेगुलर कप्तान खेल रहे हैं, अगर वो नहीं खेलते तो फिंच कप्तानी करते हुए हमें नज़र आ सकते हैं, लेकिन अभी निक मेडिसन खेल रहे तो वही कप्तानी करेगा और फिंच हमें ओपन करते हुए नज़र आ सकते हैं। सो ये कुछ हमें देखने को मिल रहा है। आगे अगर हम बात करें 23 जैन को, तो हीट वर्सेज रेनिगेड्स हुआ था 2021 में, जहाँ पर हीट ने बने थे 173 और रेनिगेड्स ने बने थे 147/10, 5 रहे थे 28, इंजर्ड इसलिए ये खेल लेंगे नहीं पूरा बी बिल, फिर से बने थे 4, हार्पर ने बने थे 57, जे फ्रेजर ने बने थे 7, हार्वी ने बने थे 5 और प्रेस्टे ने बने थे 19, लारर और इवांस ने बने थे 5-6 रन। फिर बॉलिंग से लारर ने लिए थे 0 विकेट, इवांस ने लिए थे 3 विकेट, प्रेस्टे ने लिए थे 3 विकेट, जे फ्रेजर मैकगर्क ने लिए थे 0 विकेट्स और रेनिगेड्स ये मुकाबला 26 रन से हारा था। वही अगर आप देखोगे 20 जैन को भी होता, जहाँ पर स्टार्स ने 58/6 रन बनाए थे और रेनिगेड्स से बने थे 64/5, मास्टर बने थे 1, फिर से बने थे 0 और हार्पर ने थे 39 रन, फ्रेजर ने बनाए थे 20, प्रेस्टविट और यहाँ पर हार्वी ने बनाए थे 47 रन। लारर ने लिया था 1 विकेट, इवांस ने लिए थे 2 विकेट और प्रेस्टविट ने लिए थे 0 विकेट। रेनिगेड्स 5 विकेट से मुकाबले को जीती थी और अपने नाम किया था ये मुकाबला। फिर आप ज़रूर पॉज करके देख सकते हैं, इसके अंदर फिर से ज़रूर परफॉर्मेंस दिया, नवी ने भी दिया है। आगे आप देखोगे तो मार्च ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, नवी ने भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया हुआ है इस मैदान पर। फर्स्ट कॉचेस की अगर बात करें तो इन्होंने अभी तक 7 मैचेस इस मैदान पर खेले, सिर्फ 6 जीते हैं, और नॉट सिर्फ बहुत होते हैं सिर्फ 6 7 में से बहुत जीते हैं पर 6, सिर्फ 1 हारी है, अबाउंडेड हुआ 1 विकेट, एवरेज रन पर ओवर है 8.2 रन पर ओवर और एवरेज रन पर ओवर लीग 7.69 रन पर ओवर हमें देखने को मिल रहा है। 22 जैन को इन्होंने इनका लास्ट मुकाबला खेला था यहाँ पर स्कॉचेस वर्सेस हरिगेंज, यहाँ पर मंदिरों ने बनाए थे 5, इंग्लिश ने बनाए थे 58। अगर आज इंग्लिश यहाँ पर खेलते हैं वापस ओपन करते हुए हमको नजर आते तो आपको इन्हें जरूर रखना आपकी टीम में। मार्च ने बनाए थे 7, टर्नर ने बनाए थे 15, हार्डी ने बनाए थे 12, रिचर्डसन ने बनाए थे 29, जय रिचर्डसन ने टाई ने लिया था, टाई ने बनाया था 1 और बेनड्रॉफ ने बनाए थे 2, रिचर्डसन ने लिए थे 4 विकेट, बेनड्रॉफ ने लिए थे 2 विकेट, टर्नर ने लिए थे कुछ नहीं, एंड्रू टाई ने लिए थे 1 विकेट और हार्डी ने भी लिया था यहाँ पर कुछ भी नहीं। स्कॉटलैंड ने 22 रन से मुकाबले को जीता था, फिर वापस 19 जनवरी को उन्होंने खेला था उनका सेकेंड लास्ट मुकाबला जब स्कॉटर्स से सीट हुआ था ये। मनू ने बनाए थे 82, इंग्लिश ने बनाए थे 25, बैंकॉक ने बनाए थे 15, टर्नर ने बनाए थे 24, जे रिचर्डसन ने बनाए थे कुछ भी नहीं। जे रिचर्डसन के बारे में बात करें तो 2 विकेट इन्होंने लिया था, बेनड्रॉफ ने 2 लिया था, हार्डी ने कुछ लिया था, एंड्रू टाई ने 2 लिया था। सो एंड्रू टाई को आपको रेगुलरली विकेट ली तो आपको नजर तो आ गई, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर भी है और इनके साथ साथ मुझे लगता है के जो के डेटा चल रहे हैं मेलबर्न की टीम से वो भी बहुत ज़्यादा खाता कमी नज़र आ सकते हैं। फिर यहाँ पर 20 दिसंबर को हुआ था एक मुकाबला जो कि बहुत टाइम पहले हुआ था, आप देख सकते हो एक बार गो थ्रू करके बेनड्रॉफ यहाँ पर रेगुलरली विकेट्स निकालते हुए आपको नज़र आ रहा है। सो ये कुछ हमें देखने को मिला था यहाँ पर। वही अगर हम बात करें प्लेयर्स ऑन दिस वेन्यू के बारे में तो बैटिंग टीम से आप देखोगे, बैटिंग देखेंगे तो फिंच ने बना खेल रहे यहाँ पर 31 इनिंग्स, 11/22 रन स्कोर किए हैं, 111 के इनका स्कोर है, 41 का एवरेज है इस मैदान पर, 8/50/6 30+ स्कोर है। सैम हार्पर शॉन मार्श खेलने नहीं वाले इसलिए उनका नाम बताऊंगा नहीं। सैम हार्पर के अगर बात करें तो 15 इनिंग्स में 314 रन, 57 का हाई स्कोर है, 22.43 रन का एवरेज है इस मैदान पर, 1/50/6 30+ स्कोर है। मोहम्मद नबी 10 मैचेस में 282 रन है और 63 का हाई स्कोर है, 35.25 का इनका एवरेज है, 1/50/3 30+ स्कोर है। एम हैरिस 15 बॉल में 228 रन है,
42 का हाई स्कोर है, 15.20 का एवरेज है, 0 50 और 2 30 प्लस स्कोर है मोइज़ हनी के। 6 मैचेस में 206 रन है मोइज़ हनी के, उसको पता नहीं मैंने यहाँ पर क्यों डाला है बट ठीक है आप देख ले एक बार। एम हार्वी 8 मैचेस में 169 रन है, 56 का हाई स्कोर है, 24.14 का एवरेज इनका और 1 50 और 2 30 प्लस स्कोर है। सो आपको देखने को मिलेगा कि फिंच मैदान पर अच्छा और कंसिस्टेंसी का परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन लास्ट के कुछ मैचेस में जो BBL के हुए थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लॉप हमें नजर आए थे इस मैदान पर। बॉलिंग से देखोगे तो केन रिचर्डसन 16 मैचेस में 22 विकेट्स हैं, जेम्स पैटिसन 11 मैचेस में या इनिंग में 14 विकेट्स हैं, सी बॉयस 13 मैचेस में 14, एंड्रू टाई 7 मैचेस में 9, जैसन मेडवेड 4 मैच में 8, मोहम्मद नबी 10 मैच में 7 और जय रिचर्डसन 3 मैच में 7। जय रिचर्डसन मोस्ट प्रॉब्ली ये मैच नहीं खेलेंगे, अगर खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, ऐशेज से जुड़े हुए बट मैच तो खत्म हो गया, अब देख रहा होगा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। वो अगर आप देखेंगे हेड टू हेड हिस्ट्री के बारे में तो टोटल मैचेस 14 खेले गए इन्होंने दोनों टीम्स के बीच में, 3 जीते यहाँ पर मेलबर्न ने, 11 जीते हैं पर्थ ने, अबॉर्डेड हुआ है 0। सो पर्थ का पकड़ा बहुत ज़्यादा भारी है नज़र आ रहा है और पर्थ की टीम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑन दिस वेन्यू में भी देखोगे तो 5 खेले जहाँ पर 1 जीता से रनिगेंस ने, पर्थ ने जीते 4, पर्थ ने घर पर घुस कर इतना हराया है इनको, तो देखना होगा पर्थ कितना दूर जाएगी आज तक आज के इस मैच में। तो लास्ट टाइम रिजल्ट देखोगे तो पर्थ ने जीते 2, स्कॉचर्स ने जीते हैं, रेनेगेड्स ने जीते 2, स्कॉचर्स ने जीते 3। वही अगर आप देखोगे पर्थ स्कॉचर्स को और रेनेगेड्स के बीच में 3 हज़ार को हुआ था लास्ट का मुकाबला, जब पर स्कॉचर्स ने बनाए थे 185 और अगर इंग्लैंड ने बनाए थे 72, बल्लू ने बनाए थे 52, मार्श ने बनाए थे 7, बेरेट ड्रॉफ ने लिया था 1 विकेट और रिचर्डसन ने लिया था 1 विकेट, हार्डी ने लिए थे 2 विकेट और एंड्रू टाई ने लिया था 1 विकेट। वही रेनेगेड्स से देखेंगे तो साहब हार्पर ने बनाए 4, मार्श ने बनाए थे 14, फिश ने बनाए थे 8, नवी ने बनाए थे 5, प्रेस्टन ने बनाए 33, केन रिचर्डसन बनाए थे 9, लारा ने बनाए थे 0, लारा ने लिए थे 0 विकेट, केन रिचर्डसन ने लिए थे 0 विकेट, प्रेस्टन ने लिए थे 2 विकेट और यहाँ पर नवी ने लिए थे 0 विकेट। सो ये हमें देखने कुछ मिला था उस टाइम पे और अच्छा खासा परफॉर्मेंस दोनों ही टीम से देखने मिला था, खास करके यहाँ पर स्कॉचर्स की टीम से, स्कॉचर्स ने 96 रन से इस मुकाबले को अपने नाम कर दिया था। बेलेरो ओवल होबर्ट 12 दिसंबर 2020 में हुआ था, इंग्लिश से बनाए थे 14, बल्लू ने बनाए थे 0, मार्श ने बनाए थे 10, टर्नर ने बनाए थे 24, बैकग्राउंड ने बनाए थे 3, हार्डी ने बनाए थे 33, रिचर्डसन ने बनाए थे 8, टाई ने बनाए थे 15, जैसे बैकग्राउंड ने बनाए थे 3, जे बैरनड्रॉफ ने लिए थे 0 विकेट और जे रिचर्डसन ने लिए थे 2, टाई ने लिए थे 0, हार्डी ने 0, टर्नर ने 0। रेनेगेड्स मुकाबले को जीती थी, मार्श ने बनाए थे 62, फिंच ने बनाए थे 35, हार्मर ने बनाए थे 5, बैकग्राउंड ने बनाए थे 1-0, लारा ने लिए थे 3 विकेट, के रिचर्डसन लिए थे 3 विकेट और फ्रेशमैन ने लिए थे 0 विकेट। सो ये कुछ आप ज़रूर आगे भी गो थ्रू कर सकते हो, आपको सब कुछ पता लगेगा कौन कंसिस्टेंसी का परफॉर्मेंस दिया है और देता है, सो ज़रूर आप गो थ्रू कर सकते हो। हेड टू हेड लीडर्स की अगर बात करते हो 13 इनिंग्स मतलब फिंच और वर्सेस अगर हम देखेंगे सामने पर्स कॉचेस, तो 13 इनिंग्स के लिए फिंच ने 264 रन स्कोर के, 72 का हाई स्कोर है, 20 का एवरेज है, 1 50 और 2 30 प्लस स्कोर है, मार्श का बोलू यानी खेल लेने वाला है, आस्टर डन 9 इनिंग्स में 73 रन, 70 का हाई स्कोर है, 24.71 का एवरेज है, 5 इन्होंने अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा कुछ बनाए नहीं है, सो इन्हें माफ़ कीजिएगा। सैम हार्पर की बात करें तो 6 मैचेस में 170 रन है, 73 का स्कोर है, 28.33 का एवरेज है, 1 50 और 2 30 प्लस स्कोर है, जॉश इंग्लिश 5 मैचेस में 53 रन है, 72 का हाई स्कोर है और 38.25 का एवरेज है, 2 50 और 1 0 30 प्लस स्कोर है, शॉन मार्श और कुछ मिलेंगे नहीं, माफ कीजिएगा फ्रेंड्स ये मिशेल मार्श है, शॉन मार्श यहाँ पर एडियो ने बताऊंगा, मिशेल मार्श 9 इनिंग्स में 77 रन है, 56 का स्कोर है, 25.29 का एवरेज है, 1 50 और 1 30 प्लस स्कोर है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। बॉलिंग से अगर आप देखोगे तो केन रिचर्डसन 8 इनिंग में 13 विकेट, जैसन मेडवेड 8 इनिंग में 11, एंड्रू टाई 9 इनिंग में 11, केन रिचर्डसन 6 इनिंग में 7, ऐशर हेगर 7 इनिंग में 5 और मिचेल मार्श ने 6 इनिंग में 5 विकेट लिए और ये हमें कुछ नज़र आ रहा है। प्लेयर मैचअप सर बैटल्स की अगर बात करें तो आप देख सकते हो जॉश इंग्लिश वर्सेस केन रिचर्डसन 23 बॉल का मुकाबला है जहाँ पर 32 रन स्कोर के 3 विकेट दे बैठे हैं, डेल आयरन खेलने नहीं वाले मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लगता है, 15 बॉल में 31 रन और 1 विकेट है। एशर टर्नर वर्सेज केन रिचर्डसन आप देखोगे तो 15 बॉल में 25 रन और 2 विकेट है। कॉलिन मनरो का देखोगे आप तो जाहिर खान वर्सेज कॉलिन मनरो हुआ है 34 बॉल में 57 रन और 2 विकेट है,
जय प्रेसवुड 8 बॉल में 4 रन 1 विकेट है। जे लारन वर्सेज मंजू 4 बॉल में 0 रन और 1 विकेट है। लारन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर जरूर है, देखना होगा आज खेलते हैं कि नहीं, मुझे लगता है आज भी मौका नहीं मिलेगा। कैमरन मैडेंड्रॉफ वर्सेस निक मैडिसन देखेगा, जो 5 बॉल में 2 रन और 2 विकेट है। जस्टिन लारर और वर्सेस निक मैडिसन का कैमरन मैडेंड्रॉफ 22 बॉल में 36 रन 1 विकेट है। केन एचेतन वर्सेस मैडेंड्रॉफ 14 बॉल में 10 रन और 1 विकेट आपको नज़र आ रहा है। और अगर आप देखोगे यहाँ पर एरन फिंच का, तो जय रिचर्डसन वर्सेज एरन फिंच 14 बॉल में 10 रन 2 विकेट है। और एंड्रयू टाइम 10 बॉल में 15 रन 1 विकेट है। उनके लिए 6 बॉल में 6 रन और 1 विकेट है। सो ऐसा कुछ हमें नज़र आ रहा है दोनों ही टीम्स के। मैंने पूरे स्टैट्स इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दिया, मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। नहीं पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम क्या सुधार कर सकते हैं, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ड्रीम इलेवन टीम का। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने लिया जॉस इंग्लिश और सैम हार्पर को। बैटिंग सेक्शन से लिया एरन फिंच को, के पैटरसन को और एम आरवी को। ऑलराउंडर सेक्शन से लिया मिचेल मार्श, एम नबी को। बॉलिंग सेक्शन से लिया केन रिचर्डसन, जेसन मैनड्रॉफ, एंड्रयू टाई और जेड खान को। कैप्टनसी अब मैं चाहूँगा यहाँ पर देना मिचेल मार्श को, और वाइस कैप्टनसी मैं देना चाहूँगा यहाँ पर कोई बॉलर को, या तो फिर मैं कैप्टनसी भी बॉलर को ही दे सकता हूँ, चाहे वो केन रिचर्डसन हो, टाई हो या मैनड्रॉफ हो, इन तीनों में से किसी को भी दे सकता हूँ मैं फिलहाल के लिए। अगर आप चाहो तो आपके लिए मैं बना देता हूँ यहाँ पर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी, इन दोनों को मैंने देख दिया है यहाँ पर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी। फिंच मोस्ट प्रॉब्ली खेलेगा, अगर नहीं खेलते तो इनके बदले आपको सिंपली कॉलिन मंद्रू को ले लेना है, और इस ऐसी कुछ हमारी टीम बनने वाली है। फिर कोई एक विकेट कीपर को देखूंगा, अगर ड्रॉप होता है तो किसी एक को ड्रॉप करके यहाँ पर एक बॉलर मिल लूँगा, वो चाहे होगा टोपली और मिल्स, या तो फिर हो सकता है केली अगर फर्स्ट बॉलिंग करते फर्स्ट कॉचर्स की टीम। सो ये कुछ हमारी टीम है टेम्पररी, फाइनल टीम मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच, हैव अ नाइस डे गाइस।